संभल में हर्ष फायरिंग के दौरान एक कैटर की मौत हो गई। घटना संभल के चंदौसी की है, जहां एक सगाई समारोह में शराब पीकर युवकों ने हर्ष फायरिंग की। इस फायरिंग में समारोह में मौजूद एक 40 वर्षीय कैटर की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि सगाई समारोह में तिलकोत्सव के दौरान कुछ युवकों ने शराब पी रखी थी, तब भी शराब के नशे में धुत कुछ युवकों ने नाजायज हथियारों से हर्ष फायरिंग शुरू कर दी। इसी बीच एक गोली समारोह में काम कर रहे 40 वर्षीय कैटर शेर सिंह के सीने में जा लगी। गोली लगने के बाद शेर सिंह को अस्पताल ले जाया गया, जहां रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई है। चंदौसी से रामवीर सिंह चौहान की रिपोर्ट। गीता, क्या नाम आपके पति का? कहाँ गए थे? क्या हुआ फिर उनके साथ? गोली मार दी। कहाँ? मौलागढ़ में खत्म हो गए। कहाँ या कहाँ खत्म हुए हैं वो? मुरादाबाद। ये 5 बच्चे हैं इनके, ऐसे शादी ब्याह में इतनी खुशी मनाते हैं लोग, मतलब गोली चल जाए और किसी की जान चली जाए। जरा ये बिसोली छुप से एक बारात मौलागढ़ क्षेत्र में आई थी हमारे यहाँ, एक वेडिंग पॉइंट में लगन की काम चल कार्रवाई चल रही थी। उसी बीच वहाँ बाराती घरातियों से किसी द्वारा फायरिंग की गई। फायरिंग में वेटर शेर सिंह शराब इलाधर को गोली लगी, जिसे तत्काल चंदौसी सीएससी पर भर्ती कराया गया, जहाँ पर हालत गंभीर देखते हुए सीएससी से रिफर करा दिया गया यहाँ सेंटर के लिए। हार्ट सेंटर मुरादाबाद पहुंचते ये एक्सपायर कर गया। मुरादाबाद द्वारा इसका पीएम भरा दिया जा रहा, वहाँ से फिर इस पर हमको दाखिल प्राप्त होंगे। हम धारा को 307-302 में चल रहे हैं। किन लोगों का मुकदमा दर्ज हुआ है? इसमें दो नामजद किए गए लड़के की तरफ से, जो लोग नामजद हैं उन पर मुकदमा पंजीकृत कर लिया है। तत्काल 307 में कल हमने पंजीकृत कर लिया था। अब आगे अग्रिम कार्रवाई, उनको मेडिकल प्राप्त होने के बाद उन धाराओं में और कार्रवाई करके गिरफ्तारी सूचित की जाएगी। लड़की पक्ष का योगेंद्र है और लड़के पक्ष का जितेंद्र है। क्या काम करता था मृतक? मृतक उसी टेंट हाउस में वेटर का काम करता था, जिस टेंट हाउस में लगन का कार्यक्रम चल रहा। लगभग कितनी उम्र होगी? 35 से 40 के बीच। अच्छा।